बॉस 11 में घर से बेघर हुए प्रियांक शर्मा इस हफ्ते फिर घर में एंट्री करने जा रहे हैं। लेकिन घर में एक बार फिर जाने से पहले सलमान ने प्रियांक से कही कुत्ते वाली बात। जी हाँ, हम एकदम सही कह रहे हैं, ये तो हर कोई जानता ही है कि ढिंचक पूजा की बिग बॉस के घर में एंट्री हो गई है। वहीं आने वाले एपिसोड में घर से पहले हफ्ते में ही बेघर हुए प्रियांक एक बार फिर से शो में वाइल्ड कार्ड के जरिए वापसी कर रहे हैं। बता दें कि प्रियांक की शो में दोबारा वापसी होने पर सलमान ने फिर से कुत्ते वाली बात कही है। चौंकिए मत, दरअसल सलमान ने प्रियांक से कहा कि क्या तुमको किसी कुत्ते ने काटा है जो फिर से घर में जा रहे हो? अरे जनाब, सलमान ने ये सब मजाक में कहा था, आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है। वहीं सलमान की बात का जवाब प्रियांक अपने ही अंदाज में देते हैं और कहते हैं कि लोगों को पता चले कि कौन गलत है कौन सही। इसके बाद सलमान ने भी कहा कि प्रियांक को घर में मजा नहीं आने वाला, लेकिन घर के लोगों को जरूर आएगा। बता दें कि आकाश और विकास के बीच हुई लड़ाई में घुसकर आकाश को धक्का देने के चलते प्रियांक को शो से बाहर होना पड़ा था। वहीं प्रियांक के शो में दोबारा एंट्री क्या दिलचस्प मोड़ लाती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और बिग बॉस से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।